वृंदावन का जो हाल हो रखा है ना भाई, कहने की अंकल जी बताएंगे, अंकल जी कैसा हाल है वृंदावन का? बेकार हाल है भाई, बहुत भीड़ है। जो झूल रहा है ये मेरा भांजा पीयूष, और जो खेल रही है वो है मेरी भांजी दीशु। हेलो कर दो भाई, मुंह तो गुस्सा हो गया यार, तुम मारे ना जो मैं जाटम ना रहा हूँ, पड़ी मोगू को, मोगू को पड़ी भैया। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं भाई, एक हफ्ता होली को आ गया, रोजाना 8 बजे ही निकल रहा हूँ। कल तो कोई मैच भी नहीं था और टाइम से सो गया था, फिर भी नींद नहीं खुली, तो कल से कोशिश करूँगा और जल्दी जगने की। और गाइस आज संडे है, संडे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और वैसे भी बच्चों की स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई है, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे और अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और भाई आज शाम को IPL का फाइनल भी है, चेन्नई और GT के बीच। दिल से सोचूं तो चेन्नई जीतनी चाहिए क्योंकि चेन्नई मेरी फेवरेट है, और थोड़ा सा पेपर पे दिमाग से सोचा जाए तो भाई GT ने जिस लेवल का खेल दिखाया इस साल IPL में, अलग ही लेवल पर जा चुका, खासतौर से सुमन गिल। भाई विराट कोहली से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक कदम आगे है ये बंदा, अभी तो उस कैरियर की शुरुआत है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या कमाल दिखाएगा। तो आज जबरदस्त मैच होगा IPL फाइनल का, तो जल्दी से निकलते हैं अपने दिन और अपने ब्लॉग दोनों की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। राधे राधे बाबा, क्या हालचाल, काम धंधा कैसा चल रहा है? आज तो संडे है, बढ़िया काम निकल रहा, गाड़ियां साफ सी हो रही सबरी, कहीं चक्कर लगा के आए नहीं आए अभी? नए बस स्टैंड पुराने। चलो गाइस, मथुरा की जो ट्रैफिक पुलिस ने उसने मेन रास्ते बंद करके मथुरा में मारा मारी करवा दिया यार। जिन रस्तों पे कभी भी गाड़ी लेके नहीं आते थे हम लोग, जब से मेन रास्ते बंद हुए हैं तब से भाई इन गलियों में पतली पतलियों में आना पड़ता है। गली है पतली और गाड़ी इतनी हो जाती है बहुत ज्यादा। अबे खच्चर ले आया तू, ये वाला जो अभी रास्ता था ये हम लोग केवल द्वारकाधीश मंदिर और पंच किले के लिए इस्तेमाल करते थे, और जब से मेन रोड बंद किया है भाई पुलिस ने तो अंदर होके आना पड़ता है। पतली पतली गलियां हैं और गाड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी तो एक एक डेढ़ घंटे के लिए फंस जाते हैं। अगर सीधा निकल आए तो आपकी समझ लो बहुत अच्छी किस्मत है कि तुरंत की तुरंत पास हो गए। कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ एक दूसरे में घुसने को तैयार रहती हैं, और जहाँ टच हुई ना बस फाइटिंग शुरू। गाइस वृंदावन की सवारियां तो छोड़ दी, पर वृंदावन का जो हाल हो रखा है ना भाई, कहने की अंकल जी बताएंगे, अंकल जी कैसा हाल है वृंदावन का? बेकार हाल है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है भाई, और जगह जगह बैरियर की वजह से ट्रैफिक और ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नजारा दिखाता हूँ कि वृंदावन का जो गेट है ना घुसने वाला, उस जगह पे क्या हाल है। ये देखिए मथुरा से वृंदावन आने वाली रोड है, दूसरी साइड में जो लाइन दिख रही है आपको गाड़ियों की, और ये सीधी मथुरा को, मैं वृंदावन से मथुरा वापस जा रहा हूँ, और ये लोग हैं जो आने वाले हैं, ये देखिए ये लंबी लाइन है, और अंदर का तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। गालियां पड़ती हैं ऑटो वालों को, और जाम लगाने वाले हैं ये फोर व्हीलर वाले, जो गूगल मैप खोलते हैं और गलियों से घुस के वृंदावन में अंदर घुस जाते हैं, फिर रास्ता बंद मिलती है तो फिर सोई ट्रैफिक, उसके बाद लाइन पे लाइन, हॉर्न पे हॉर्न। सवारी लेके मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, और भाई अपने मित्र मंडली के बीच में, इधर को भी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और इधर को कुछ बातें चलने में लगी हुई है। थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको क्या बातें हो रही है। मुर्गा खा लिया, मच्छी खा ली, अच्छा होश नहीं, खाली रोटी खा ली, अब सब कह रहा है हमने खाया तो गया कहा, पेट तो खा ली मेरा। एक भाई साहब कहता है पेमेंट मैं करूंगा, अच्छा चलो सब मिल के खाएंगे। पेमेंट किया था, पेमेंट तो मैंने किया था, बोली दारू मेरी, पेमेंट मैंने किया होटल में गए तो क्या बोले, पेमेंट कौन करेगा, बताएगा ही पेमेंट उदयराज करेगा, नहीं बोल बोल के चला है।
चौवा भी आ गया मनोज बाबू यार क्या भाजी मार रहे हो अबे वो परसों की बात है तू हट तो सही तो कल की बात है कल का तुम्हारी मां ने इसने मार दी थी तुम मैं बोल लो है क्या ले ली चौवा ओए काली बाबा की नहीं जे उदय भैया ने भांजी मार दी है मेरी कैसे मैं टंकी पे चढ़ा था हाँ भाई बताओ ना न्यू सामने डंडा कहाँ है तुम्हारी किसने मिली डंडा कहाँ थे जगह कह रहा है जगह कह रहा क्या ले ली इनने इन दोनों ने ले ली है क्या ले ली पेमेंट इनने किया है अच्छा पेमेंट अबे साफ साफ बोला कर पब्लिक कुछ और ही समझ लेगी गाइस दोपहर का एक बज चुका है और हम आ चुके हैं अपने घर पे खाना पीना खाने के लिए और भाई आज बहुत भागम भाग वाला टाइम है दोपहर का क्योंकि मेरे ही सवारियां जो कल या परसों मैंने घुमाई थी ना गोवर्धन वगैरह उन्हीं सवारियों को लेके आज जाना मुझे गोकुल की तरफ और देखिए गाइस हमारे घर में हमारे भांजी और भांजे दोनों ही आ गए गर्मी की छुट्टियों में जो झूल रहा है ये मेरा भांजा पीयूष और जो खेल रही है वो है मेरी भांजी दिशु हेलो कर दो दिशु अभी अभी आई है मम्मी और मुरारी गए थे दोनों छाता दवा लेने के लिए पहले गए थे जब पीयूष को लेके आ गए अब दोबारा में गए तो दिशु को लेके आ गए धूप में खेल रही है बीमार हो जाएगी हमारे सिर पड़ेगी तू आज ना गाइस दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं मिला भाई जैसे ही घर पहुंचा खबर मेरे को पहले ही मिल चुकी थी कि हमारे सुमित बाबू वृंदावन से जो परसों मैंने सवारी घुमाई थी उनको लेके आ रहे तो उन्होंने कहा भैया आप मिल जाना हमें मथुरा जंक्शन पे उसके बाद में आपके साथ गोकुल वगैरह घूमने जाएंगे और वैसे भी हमारी शाम को 4 बजे ट्रेन है तो उससे पहले घुमा के वापस मथुरा जंक्शन छोड़ना है तो भाई उनको तो भाई घर पहुंचा खाना खाया और तुरंत के तुरंत ही वापस आना पड़ा मेरे को कि उनको गोकुल लेके आना था तो सवारियों को लेके गोकुल आ चुका हूँ ये मेरे पीछे जो दिख रही है गोकुल की पार्किंग है यहाँ से अंदर सारे मंदिर हैं जिनके लिए घूमने के लिए वो गए जैसे ही वापस आएंगे तो मथुरा जंक्शन छोड़ेंगे तब फ्री होंगे और भाई ना तो आराम करने का मौका मिला मुझे और ना ही ब्लॉग को एडिट करने का तो अभी टाइम मिला हुआ है सवारी गई हैं घूमने तब तक मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स अब जाके फ्री हुआ हूँ भाई जो मेरी सवारियां थी इनको मैंने परसों गोवर्धन घुमाया था मैं गोकुल लेके गया गोकुल घुमाया गोकुल के बाद उनको अपनी तरफ से मैं रावल लेके गया वही जो राधा रानी का जन्म स्थान है और रावल कराने के बाद मथुरा जंक्शन छोड़ दिया है वो अपने शहर गए ट्रेन पकड़ के हम जा रहे हैं अपने घर आज दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है मेरे को क्योंकि खाना खाने के लिए घर आया था और तुरंत की तुरंत वापस निकल गया था और भाई कल वाला जो ब्लॉग है वो भी मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है तो जल्दी से घर चलते हैं आराम करते हैं अपना ब्लॉग एडिट करते हैं और फिर शाम को देखेंगे वैसे शाम तो हो ही गई है 5 बजे हुए हैं अभी तो इससे ज़्यादा शाम क्या होगी तो पहले ब्लॉग एडिट करता हूँ गाड़ी को चार्जिंग पे लगाता हूँ अगर 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत चार्जिंग हो जाएगी तो शाम को दोबारा घूमने आएंगे वरना मुझे लगता है कि अब आ नहीं पाएंगे भाई और मेरा घर आ चुका है तो अंदर गली में चलते हैं नमस्ते आंटी हमारा कमेरा पुत्र आज देखो भाई मंगू काम कर रहा है भैंसों को पानी पिला रहा है घर का काम हो रहा है ये देखिए गाइस हमारे घर में 3 फ्रिज हैं फिर भी हम लोग मटके का पानी पीते हैं अभी फ्रिज का पानी हम लोगों को पछता ही नहीं है भाई और मंकू कर रहा है भैंसों की सेवा इस समय भैंस नवारो पानी फैला रो खमा खम में ये काम कम करता पानी ज्यादा फैलाता है
और इधर को बैठे इनके गाइड कोच हमारी मम्मी जी, काम सिखा रही हो इन्हें घर का। आज ने कहा शाम के टाइम में जल्दी घर आ गया था क्योंकि सवारी घुमाने के बाद 5 बजे मैं फ्री हो गया था और गाड़ी में बैटरी नहीं थी तो भाई आ गया घर। और भाई घर आने के बाद पता चल रहा है टाइम से घर आ जाओ ना तो घर में बड़ी इज्जत मिलती है। मैडम कभी पापड़ ला के दे रही है कभी कुछ, भाई इतनी इज्जत की हालत लगी है वैसे मुझे। आज 5 बजे आ गया, ये देखिए भाई कभी पापड़ से क्या जाते हैं कभी चाय आ जाती है, बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है। पर ये एक ही दो दिन के लिए है, अगर मैं कल से आने लगा ना तो शायद कुछ नहीं मिलेगा सिवाय लड़ने के। मैं ना कह रहा हूँ, मैं ना कह चुके, मैं कछु ना कह रहा हूँ, मोला पूछ के माई मुंह पे गुस्सा हो गया यार तुम मारे ना, क्यों भाई जाटे मारो ओ पड़ी मुंगू को पड़ी भाई यार। अभी मुंगू को पड़ी है भाई, बार बार आके नहाने की बात कर रहा था यार, सुबह नहाता दोपहर में नहाता शाम को भी बीमार हो गया तो यार वैसे हालत टाइट चल रही है तो गीता लाज तो रख दिया उसको एक जमा के। और गाइस जब से आया हूँ घर ही हूँ, मैं दोबारा गया नहीं निकल के, हालांकि मैं जाना चाहता तो 1-1.5 घंटे के लिए जा सकता था लेकिन यार 7:30 यहीं हो गए थे। 8 बजे के करीब में से वहाँ काम पकड़ता कोई भी तो 9-10 बज जाते, मैडम ने कर दिया मने मत जाओ अब तो गया नहीं भाई, तो आज की शाम के टाइम की छुट्टी मान लो आप, वैसे सारा दिन चला हूँ तो आप छुट्टी भी नहीं कह सकते, जो पैसे मैं शाम के टाइम कमा के लाता आज वो मुझे दोपहर से ही कमा के मिल गए, भाई घर पे ही पड़े हुए हैं। और आज मैच भी डिले हो रहा है भाई, बारिश चल रही है, चेन्नई सुपर किंग और जीटी का मैं मैच देखना चाह रहा था, आज फाइनल था, अभी तक बारिश ही नहीं रुकने में आई, मंगू और वो शरारत करने में लगे हुए हैं अभी। तो चलिए गाइस इनकी तो शरारत चलती रहेगी, अपने ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।